हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दुबे फिटनेस गुरु। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है फुल शोल्डर वर्कआउट का, जिसमें मैं आपको दो या चार या छः एक्सरसाइज नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको फुल शोल्डर वर्कआउट बताने वाला हूँ। ये वर्कआउट वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शोल्डर में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आज मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा किस एक्सरसाइज के बाद कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा शोल्डर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा शोल्डर का फुल वर्कआउट है उसकी पहली एक्सरसाइज है वो है शोल्डर प्रेस बारबेल से। तो इसमें आप करना क्या, बाइट ग्रिप बनानी इस तरह से। उसके बाद जब ऊपर आपको पूरा ले जाना, उठाना है, नीचे लाना है आराम से, ये इस तरह से, ये एकदम स्लो मूवमेंट चलाने हैं, ये इस तरह से। तो ये आपके बैक शोल्डर के लिए होगा। इसमें आपको जो बिगनर्स हैं उनको 2 kg के प्लेट स्टार्ट करना है। मूवमेंट है जो रैप्स आपके वो 12 लगाने हैं, सेट आपको 6 करने हैं, और जो उनको काफ़ी टाइम हो चुका है उनको 5 kg की प्लेट से स्टार्ट करना है, और रैप्स हैं उनको 15 से 20 लगाने हैं, सेट उनको 8 करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो शोल्डर वर्कआउट सेकेंड एक्सरसाइज है वो है फ्रंट बारबेल प्रेस। इसमें आप करना क्या है, थोड़ा पास में ग्रिप बनाना है, इस तरह से पास में ग्रिप बनानी है। उसके बाद आपको पूरा ऊपर उठाना है, ये। उसके बाद आपको चेस्ट के ऊपर, ये तो ऊपर रखना है, बिल्कुल ऊपर साइड रखना है इस तरह से, ये इस तरह से रखना है आपको। स्लो मूवमेंट चलाने हैं, ऊपर पूरा हाथ ले जाना है। हाथों का ध्यान रखें, ये हाथ आप ज़्यादा पीछे ना जाए, सिर के पीछे ना जाए, सिर के ऊपर तक ही रखना है इसको, सिर के पीछे ना जाए आपका, ये ध्यान रखना है। इसकी जो बिगनर्स हैं उनको 2 kg के प्लेट से स्टार्ट करना है, वेट से, और रैप्स उनको 10 से 12 लगाने हैं, सेट 6 करने हैं। जो काफ़ी टाइम हो चुका है उनको 5 kg के प्लेट से स्टार्ट करना है, 8 सेट करने हैं और 12 से 15 रैप्स करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं थर्ड एक्सरसाइज है शोल्डर की वो है डंबल शोल्डर प्रेस। इसमें आप करना क्या है, जो बिगनर्स 2 kg डंबल ले लें इस तरह से, और उनको जो डंबल थोड़े से पास में रखने इस तरह से, ये शोल्डर के आपके कान के पास में डंबल रखने, ज़्यादा नीचे नहीं ले जाने हैं, ऊपर पूरे डंबल उठाने हैं आपको इस तरह से, ये। तो जो बिगनर्स हैं उनको 2 kg डंबल से 12 रैप्स लगाने हैं और 6 सेट करने हैं। जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है उनको 5 kg डंबल लेने हैं, 8 सेट लगाने हैं और 15 से 20 रैप्स करने हैं इस तरह से। स्लो मूवमेंट चलाना है आपको, स्पीड में नहीं चलाना है, ताकि आपके जो शोल्डर है उस पर ज़्यादा असर पड़े, ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमें शोल्डर की फोर्थ एक्सरसाइज है वो है फ्रंट डंबल प्रेस। इस तरह आप डंबल लेना है, जो बिना 2 kg डंबल लें इस तरह से। आपको जो रिपीटेशन है 24 लगाने दोनों हाथ के मिला के, यानी कि एक हाथ से आपको 12 रैप्स लगाने हैं, दोनों हाथ के मिला के आपको 24 रैप्स लगाने हैं इस तरह से। और आपको जो सेट हैं, जो बिगनर्स हैं उनको 6 सेट लगाने हैं, और जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है वो 5 ही डंबल लें, 12 से 15 रैप्स लगाएँ, और सेट वो उनको 8 करने हैं इस तरह से। डंबल ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना है आपको, फ्रंट रहे आप इतना सीधा सिर के ऊपर तक ले जाएँ डंबल, बस इतना, ये। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे शोल्डर की फिफ्थ एक्सरसाइज है वो है डंबल साइड रेजेस। इसमें आपको करना क्या, 2 डंबल लेने हैं, जो बिगनर्स 2 kg के, जो काफ़ी टाइम हो जो 5 kg डंबल लें, सामने रखना आपको इस तरह डंबल रखने दोनों। उसके बाद आपको ये साइड में उठाना है, बिल्कुल आराम से उठाना है, ये साइड डेल्ट्स के लिए बहुत शानदार एक्सरसाइज है, ये इस तरह आपको स्लो मूवमेंट चलाने हैं। जो बिगनर्स हैं उनको 2 kg डंबल से 12 रैप्स लगाने हैं और 6 सेट करने हैं, और जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है उनको 5 kg डंबल से 15 से 20 रैप्स लगाने हैं और 8 सेट करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी सिक्स एक्सरसाइज है वो है फ्रंट डंबल रेजेस। उसे आप करना क्या है, तो डंबल लेने हैं, साइड में रखना है इस तरह से, और जब आप चलाएंगे ऊपर, ये सामने थोड़ा सा फेस के सामने लाना डंबल आपको इस तरह से, ये हाथों को सीधे रखें, हल्का सा फोल्ड रखना है बस, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट भी नहीं करना है, ये स्लो रिपीटेशन लगाने हैं। जो बिगिनर्स हैं उनको 2 kg डंबल से एक हाथ से 12 रैप्स नहीं, अल्टरनेट आपको लगाना है 24 रैप्स, और 6 सेट करना है। जिन्होंने काफ़ी टाइम हो चुका है जिम करते हुए तो उनको 8 सेट करने हैं, 12 से 15 रैप्स लगाने हैं इस तरह से, और वो 5 kg डंबल ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की जो हमारे शोल्डर वर्कआउट की सेवन्थ एक्सरसाइज है वो है प्लेट फ्रंट रेजेस। इसमें आप करना क्या है, प्लेट को लेना है, जो बिगिनर्स उनको 2 kg का प्लेट ले लें, और जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है वो 5 kg का। तो डंबल आपको फ्रंट में उठाना है, ऊपर यहाँ तक ऊपर उठाना है, ये फेस के सामने तक लाना उठा के। जब आप नीचे लाते हैं तब आपको हल्का सा कॉलर खींचना है, ये इस तरह से, ये। इसमें आप जब ऊपर ले जाएंगे तो आपका फ्रंट शोल्डर भी वर्क करेगा,
और आप जब नीचे लाएंगे तो आपकी कॉलर वर्क करेगी इस तरह से, ये हाथों को सीधा रखना, हल्का सा फोल्ड रखना, ज़्यादा फोल्ड नहीं रखना है, ये इस तरह से। तो जो बिगनर्स हैं उनको 2 kg के प्लेट से 12 रेप्स लगाने हैं और 6 सेट करने हैं, और जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है उनको 5 kg की प्लेट से 15 से 20 रेप्स लगाने हैं और 8 सेट करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारे शोल्डर वर्कआउट की 8 एक्सरसाइज है वो है फ्रंट रॉड बारबल कॉलर के लिए ये, और फ्रंट डेल्ट के लिए, बैक कॉलर के लिए ये। इस तरह से आपको वाइड और फ्रंट जो नैरो ग्रैप है दोनों के बीच में पकड़ना है इस तरह से। इसको आपको गले के पास तक उठाना है और कोहनी का ध्यान रखना, आपको ये कोहनी जो है आपकी ये ऊपर उठनी चाहिए, नीचे ना हो, ऊपर साइड उठी हुई हो इस तरह से ये। तो जो बिगनर्स हैं वो 2 kg की प्लेट से स्टार्ट करेंगे, और जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है वो 5 kg की प्लेट से स्टार्ट करेंगे। तो जो रैप्स हैं बिगनर्स को लगाने 12 रैप्स और 6 सेट करने हैं, जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है उनको 15 से 20 रैप्स लगाने हैं और 8 सेट करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं 9th एक्सरसाइज है वो है श्रग्स। श्रग्स में आपको डंबल लेना, थोड़े वेटेड डंबल लेना, यानी कि जो बिगनर्स हैं वो 5 से 6 kg की डंबल ले लें इस तरह से, और उनको आराम से शोल्डर के ऊपर तक खींचना है, ये शोल्डर के ऊपर खींचना है इस तरह से। ये आपके ऊपर बैक कॉलर और साइड मसल्स के लिए आपके शोल्डर के का वर्क करेगी ये इस तरह से। आपको घुमाना नहीं है और ना ही थोड़ा सा खींचना, पूरा ऊपर तक खींचना जितना ऊपर जाए, थोड़ा सा स्क्वीज करना ऊपर ले जाके ये, और नीचे पूरा छोड़ना है। तो जो बिगनर्स हैं उनको 12 रैप्स करने हैं और 6 सेट करने हैं, जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है उनको 8 सेट करने हैं और 15 से 20 रैप्स करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी 10th एक्सरसाइज है उसमें आपको करना क्या है, उसमें छोटे डंबल लेना है, सबसे छोटे डंबल 1.5 से 2 kg वाला डंबल लेना है इस तरह से। उसमें आपको जो पोजीशन बनानी, झुकना है इस तरह से, उसका डंबल आपको ये हाथ को हल्का फोल्ड करके ऊपर उठाना है इस तरह से ये। इसमें आप जो बैक शोल्डर जो मसल्स है आपकी वो ट्रेन होना चालू हो जाएगी ये एक्सरसाइज बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है आपकी बैक मसल्स के लिए शोल्डर की। तो एक्सरसाइज को आपको जो बिगनर्स हैं 1.5 से 2 kg डंबल लें, और जो रैप्स हैं इसमें थोड़े रैप्स आपको ज़्यादा लगाने, यानी कि 15 रैप्स लगाने बिगनर्स को, जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है उनको 20 से 25 रैप्स लगाने हैं। तो सेट जो बिगनर्स उनको करना 6 सेट, जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है उनको करना 8 से 10 सेट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा शोल्डर वर्कआउट था फुल शोल्डर वर्कआउट वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको 4 या 6 एक्सरसाइज नहीं पूरी 10 एक्सरसाइज बताई हुई हैं, जिससे कि आपका शोल्डर वर्कआउट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपकी शोल्डर की कोई भी मसल, जो फ्रंट शोल्डर हो, साइड शोल्डर हो, बैक शोल्डर हो, या ट्रैप्स हो, आपकी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करके बताई हुई है। तो ये वर्कआउट वीडियो देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और आप किस तरह की वीडियो वर्कआउट वीडियो चाहते हैं, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों के साथ, या जो लोग जिम जाना चाहते हैं या जिम जा रहे हैं। तो दोस्तों, युवराज सिंह को फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम में टाइप करें युवराज सिंह राजपूत 4x1, और मुझे फॉलो करने के लिए टाइप करें सुधीर दुबे फिटनेस गुरु, और मेरा फेसबुक पेज लाइक करने के लिए टाइप करें सुधीर दुबे फिटनेस गुरु। और दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि जिस तरह की और वीडियो जो फुल वर्कआउट वीडियो आने वाली हैं वो आपसे एस्केप या मिस ना हो। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।